सो गबाला बेसिकली इज़ अ हिल स्टेशन जहाँ पे आके आप बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी पे स्टे कर सकते हैं, तूफान दाग में केबल कार इंजॉय करके, एंड देन यू कैन हेड बैक टू बाकू. एंड वी आर स्टेइंग एट दी कावकाज रिवर साइड होटल एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. लेट मी शो यू अराउंड. So we have just checked into our hotel और बिल्कुल बगल में river है. So we have booked the villa over here. So let me also quickly give you the room tour. Come on in. So बाहर दो sitting areas है, this one and that one also. Much possibility है कि snowfall भी हो जाए, fingers crossed. This is the formal living area. Sofas and chairs. This is the kitchen. This is the bedroom. Hi Achita, good morning. Where are we going? To have breakfast. So, अभी we are checking out from this property और आज हम लोग जा रहे हैं तूफान दाग माउंटेन. सो तूफान दाग माउंटेन अजरबैजान की तीसरी सबसे बड़ी माउंटेन पीक है और वहाँ पे केबल कार जाती है टिल द टॉप. तो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड. अभी हम लोग तूफान दाग माउंटेन रिजॉर्ट में आ गए हैं और हमने यहाँ पे केबल कार बुक करी है एकदम टॉप तक जाने के लिए. तो दो केबल कार से बीच में एक स्टेशन आएगा, वहाँ पे वी विल हैव टू चेंज द केबल कार टू गो एट द टॉप. एंड इसकी जो टिकट पड़ी है वो है 19 मनात पर पर्सन और ऊपर रेस्टोरेंट्स और उसकी के लिए आप सामान वगैरह भी ले सकते हो और ऊपर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी टू सी स्नो. So finally we are in the cable car और अभी ऊपर जाएंगे. बहुत ज़्यादा ठंड है, इट इज़ 0 degrees एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर ऊपर जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत है. सो आई रियली होप टू सी स्नो. लेट्स सी हाउ इट गोज. अभी इतना ज़्यादा फॉग है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो कुछ नहीं दिख रहा. देखते हैं ऊपर जाके कैसा व्यू मिलता है. सो वी आर एट अ फर्स्ट स्टॉप और यहाँ से केबल कार चेंज करनी है एंड देन वी विल गो एट द टॉप. So finally we've reached our second stop and it is snowing और सब जगह बस बर्फ ही बर्फ है. I'm super excited. Thank you.
फाइनली जिसके लिए हम गबाला आए थे टू सी द स्नो वो हमने देख ली. एंड देयर इज समथिंग अबाउट स्नो कि जितनी बार भी आप बर्फ़ देखो हर बार उतनी एक्साइटमेंट होती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, मुश्किल से 10-12 लोग हैं. सो यू गेट द इंटायर प्लेस टू योर सेल्फ. आगे ऊपर और भी आगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं एंड स्नो इज वेरी फ्रेश. आई जस्ट विश थोड़ा सा फॉग कम होता या थोड़ी सनलाइट आती तो आसपास का व्यू भी बहुत अच्छे से दिख पाता. Beautiful experiences that I've had so far. The entire place to yourself. It's just wonderful. You, two gloves पहनने के बाद भी I cannot feel my hands और पैर भी ऐसे जम गए. Finally धूप आ गई एंड यू कैन सी दी तूफान दाग माउंटेंस बिहाइंड मी. और ये अज़रबैजान के तीसरे सबसे बड़े माउंटेंस हैं. यहाँ पे पीछे एक माउंटेन स्विंग भी है और उस स्विंग पे बैठने के लिए दे चार्ज यू 5 मनात पर पर्सन एंड आप उस साइड का माउंटेन व्यू भी इंजॉय कर सकते हो. जब भी गबाला आओ सो डू चेक आउट द गबाला जानला रेस्टोरेंट. ये तूफानदाग माउंटेन रिजॉर्ट से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है और बहुत ही क्यूट सी जगह है. और इन्होंने अंदर पूरा आर्टिफिशियल वाटरफॉल वगैरह एक विलेज सेटअप कर रखा है और बिल्कुल आपको मूवी सेट जैसी वाइब्स आएगी यहाँ पे आके. जस्ट ऑन द वे बैक टू बाथरूम बीच में एक और ये वाटरफॉल आई जिसका नाम है खल खल वाटरफॉल. और इसकी एंट्री टिकट है 5 मनात पर पर्सन. लेट्स सी कैसी है ऊपर जाके. इसी वाटरफॉल के अराउंड देयर इज एन अम्यूजमेंट पार्क ऑल्सो जहाँ पे सेम ही टिकट पे आप लोग फेरिस व्हील गो कार्टिंग बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं. ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. आई एम श्योर रात में और भी अच्छी सी लिट अप हो जाती होगी बट फॉर सम रीजन अभी ये पूरी जगह बंद है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इससे पहले मैंने गबाला का पार्ट 1 बनाया था, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट इज़ वेल एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट 1. बाय.